आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है कॉजल कॉम्परेटिव रिसर्च। ये रिसर्च जैसा कि आपको दिख रहा है, ये रिसर्च को हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी बोलते हैं, और ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है दैट एम्स टू इन्वेस्टिगेट पॉसिबल कॉजेस और रीजंस फॉर ऑब्जर्व डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स। और ये किस तरह से आपका एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल स्टडी से अलग है, ये किस तरह से एक कोरिलेशनल स्टडी से अलग है। तो अगर हम देखें, अगर कोरिलेशन में सिर्फ हम रिलेशनशिप और उसका स्ट्रेंथ पता करते हैं और डायरेक्शन पता करते हैं, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं स्टेब्लिश होता है, तो ये कोरिलेशन में इस तरह की बातें। और जनरली एक ग्रुप होता है और उसपे डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं, ये कोरिलेशनल स्टडी हुआ। आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी में एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके मतलब उसमें चेंजेस लाके हम लोग देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ रहा है कि नहीं। और इसमें जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड का क्या इफेक्ट होता है अचीवमेंट पे, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कंपेयर कर लें तो हमें ये लगता है कि ये एक एक से ज्यादा ग्रुप के ऊपर आप देखने मतलब यहाँ नंबर ऑफ ग्रुप्स हो सकते हैं। कोरिलेशनल में मैंने बताया कि एक ग्रुप और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट हियर नंबर ऑफ ग्रुप्स डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स हो सकता है एंड देयर आर वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का दोनों में देखते हैं कि इसमें क्या रहा उसमें क्या क्या असर रहा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कुछ कोरिलेशन और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च के बीच का डिफरेंस है। कोरिलेशन क्लियर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये दोनों रिसर्च का बारे में मैंने बताया। अब ये दोनों रिसर्च से एकदम अलग जो है ये कॉजल कंपरेटिव या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होता है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल ऑलरेडी लिखा हुआ है कहने, ये इसलिए हम बोल रहे हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल क्योंकि इसमें हमारा ऐसे हुए सारे कंडीशन जिसमें कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं हो, या जो कॉज है जैसे हमने देखा एक्टिविटी बेस्ड मेथड का क्या इफेक्ट होता है अचीवमेंट के ऊपर, तो हमारा जो कॉज है वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है और ये हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एज ए रिसर्चर। हम जाके उस एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाएंगे, कितना क्लास लेंगे, किस किस सब्जेक्ट का क्लास लेंगे, ये सब एज ए रिसर्चर हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई रिसर्च जिसमें कि ये सारे चीजों की पॉसिबिलिटी नहीं हो तो वो एक आपका कॉजल कंपरेटिव रिसर्च कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये बताएं कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है आपके लंग्स के ऊपर, स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है आपके लंग्स के ऊपर, तो ये आपका जो स्मोकिंग है ये स्मोकिंग आप किसी को करवा नहीं सकते कि आप स्मोकिंग करें एंड देन यू विल सी द इफेक्ट, एथिकल इशू हो जाएगा। ऑलरेडी फॉर्म ग्रुप्स ऑलरेडी होंगे जो कि स्मोकर्स होंगे या नॉन स्मोकर्स होंगे, और फिर उनके उनके लंग के कंडीशन को लेके हम ये देख सकते हैं कि हमारा किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अब इसको एक मेडिकल साइंस का मैंने एक एग्जांपल दे दिया, अगर हम इस तरह से इसको देखें कि एजुकेशनल प्रॉब्लम में लेके आए अगर, तो जैसे ये बोला सकता है कि एचआईवी पेशेंट के अचीवमेंट परफॉर्मेंस, अचीवमेंट परफॉर्मेंस पर कोई एचआईवी पेशेंट है उसका क्या असर होता है। तो हमारे पास कोई एचआईवी पॉजिटिव कोई मरीज ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि हम किसी में इंड्यूस करेंगे या किसी को एड्स की बीमारी हो जाए या हम खुद से करवा दें और फिर देखने की कोशिश करेंगे कि भाई उसका क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरह से प्रभावित होता है, तो ये हम नहीं कर सकते। ये भी एक्सपोज फैक्टर के द्वारा ही होगा जिसमें जो कॉज है दैट मीन्स एचआईवी पेशेंट जो है ये ऑलरेडी फॉर्म ग्रुप है, और फिर हम उनको ही लेके हम देखेंगे कि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरह से चल रहा है, एक नॉर्मल ग्रुप का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है
और एक एचआईवी पेशेंट का ग्रुप का एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ये कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च की खासियत होती है कि इसमें जो कॉज होता है या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मान के जिसको हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कह रहे हैं, ये इसका मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, ये ऑलरेडी अपना काम कर चुका होता है। अर्थक्वेक का क्या असर हुआ है लोगों के घर बनाने के डिसीजन के ऊपर, तो ये किस तरह का घर बनाए, घर का डिजाइन कैसा हो, तो वो एक एक्सपोस्पेक्टिव स्टडी के द्वारा हो सकता है, क्योंकि अर्थक्वेक जो है ये ह्यूमन की कैपेसिटी में नहीं है कि अर्थक्वेक कराएंगे नहीं करवाएंगे या कब करवाएंगे। तो ये इस तरह की संभावना है जहाँ पे जो रियल कॉज है वो ऑलरेडी घटित हो चुका है, और इसलिए हमें इसको हिंदी में घटनाओत्तर अनुसंधान भी बोलते हैं। जो पर्टिकुलर कॉज, जो पर्टिकुलर इंसिडेंस जिसके कारण हम किसी वेरिएबल पे उसका प्रभाव या उसका व्हाट यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं कि वो किस तरह से बदलाव लाया है चीजों में, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी होगा या कॉजल कंपरेटिव रिसर्च कहलाएगा। और जनरली ये कॉम्परेटिव रिसर्च इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप जनरली दो या दो से ज्यादा ग्रुप लेते हैं, देन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर। जैसे मैंने बताया कि एक एचआईवी पेशेंट वाला ग्रुप है, एक नॉन एचआईवी पेशेंट वाला ग्रुप है, और फिर हम देख रहे हैं कंपेयर के स्मोकर्स का ग्रुप है, एक नॉन स्मोकर्स का ग्रुप, उनके बीच में हम लोग फिर देख रहे हैं कंपेयर करके किस तरह की बातें हुई। तो इस तरह से हमें कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च को हम इस तरह से समझते हैं। इस अनलाइक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विच द रिसर्चर मैनिपुलेट्स वेरिएबल, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च एक्सप्लोर्स नेचुरली अकरिंग डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स एंड अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कॉज फैक्टर्स। हियर इज, तो ये आप आगे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च को दो दो अप्रोच में हम करते हैं। एक अप्रोच को हम बोलते हैं, और ये ज्यादातर बहुत बार क्वेश्चन में भी आता है कि रेट्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपरेटिव रिसर्च क्या है एंड प्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपरेटिव रिसर्च क्या है। जब हम किसी घटना के घटने के बाद उसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, पास्ट में जाके जाने की कोशिश करते हैं, पास्ट को झांकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का या ग्रुप ऑफ पेशेंट का लंग खराब हो गया है, देन वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि उनका पहले किस तरह से वो कब से स्मोकिंग कर रहे हैं, कितने सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग के बाद उनका किस तरह से इलाज हुआ है, और स्मोकिंग में वो किस ब्रांड को यूज करते हैं। ये एक तरह से हम रेट्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव इसी का एग्जांपल है कि आप उसको पीछे में जाके जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की स्टडीज जो है, जैसे आप यहाँ एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिया गया एजुकेशनल का, फ्रॉम रिसर्चर माइट इन्वेस्टिगेट द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स अचीवमेंट स्कोर बाय एनालाइजिंग पास्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज। अभी अगर हम देखते हैं कि दो या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ रहा है ना, एक पर्टिकुलर क्लास में मैथमेटिक्स में बच्चे बहुत अच्छा किए, एक दूसरे क्लास में मैथमेटिक्स में, एक ही क्लास के दूसरे सेक्शन में मैथमेटिक्स में बहुत वो खराब किए, देन इफ यू ट्राई टू सी, आप अगर पीछे जाके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया कि आपका जो मैथमेटिक्स में एक क्लास का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, एक का काफी खराब है, मतलब जिस जिस कारण ये हुआ है ये ऑलरेडी घट चुका है, आप इसको आप फ्लैशबैक जाके जब आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितने क्लासेस मैथमेटिक्स में हुए, किस टीचर ने पढ़ाया मैथमेटिक्स, किस तरह का मेथड उसने यूज किया, क्या स्ट्रेटेजी उसने यूज किया, तो ये एक रेट्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च कहलाए। देन द अदर डिजाइन इज देयर प्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कि हम अभी के चीजों को घटते हुए देख के हम आगे उसका क्या प्रभाव हो सकता है, इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव आगे उसका क्या प्रभाव हो सकता है, कॉज इज देयर, लेकिन उस कॉज को देखते हुए आप आगे किस तरह का चीजें हो सकती है उसके बारे में बताते हैं। जैसे आप यहाँ यहाँ देख लीजिए, प्रोस्पेक्टिव रिसर्च आल्सो नोन एज प्रिडिक्टिव रिसर्च इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पॉसिबल कॉजेस फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप।
For instance, a study might analyze the factors that are likely to influence job satisfaction among different employees groups in future. आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय के ग्रुप का जॉब सेटिस्फेक्शन अगर उसका बढ़ाना है इन फ्यूचर, आज से एक साल के बाद वो अच्छा फील करे, तो हमें किन किन चीजों के बारे में सोचना है, क्या क्या ऐसा चीज है जिसके बारे में हम सोचें या उसके ऊपर काम करें जिससे कि इन फ्यूचर जो है हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये भी आप एक प्रोस्पेक्टिव अप्रोच लेके आप इसको कर सकते हैं। एंड इट कैन टेक टाइम, ये आगे की तरफ जाए, ये आप आगे जो मतलब अभी प्रेजेंट से आप चीजों को इस तरह से सोचें या उस तरह से देखें कि ये कैसा हो रहा है, तो इस तरह की परिस्थिति में आगे क्या होगा। ये पर्टिकुलर सपोज एक एम्प्लॉय का एक पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से सेक्शन, एक एक पर्टिकुलर सेक्शन में आप चीजों को देख रहे हैं, किस तरह की चीजें हो रही है, किस तरह का आपका एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, किस तरह से सीनियर जूनियर के साथ रिलेशनशिप है, और एक पर्टिकुलर सेक्शन में उसी उसी पर्टिकुलर कंपनी में आप देख रहे हैं चीजें कैसी हो रही है, देन यू कैन ऑलवेज सी, आप आगे के चीजों के बारे में आप कुछ ना कुछ बता सकते हैं, आप उन कॉजेस को देखते हुए कि देखिए यहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही है, यहाँ पे इस दूसरे दूसरे सेक्शन में इस तरह की चीजें हो रही है, तो आगे आपका संभावना क्या है, आगे जॉब सेटिस्फेक्शन पे इसका क्या असर होने वाला है। यू आर नॉट, ये नहीं कि आप अपने तरह से कुछ वहाँ पे जो उस कंपनी में ऑलरेडी जो चीज हो रहा है उसको लेके आप, तो ऐसा नहीं कि आप अपने तरह से उसको बोलने की कोशिश करें कि आप इस तरह का रिलेशनशिप रखिए या इस तरह से प्रोसेस कीजिए, ये ऑलरेडी वहाँ पे घट रहा है और आप उसको लॉन्ग टाइम बीइंग में ऑब्जर्व करेंगे और फिर आगे के बारे में बताएंगे। तो प्रोस्पेक्टिव जो होता है वो प्रेजेंट में चलता है और आगे टाइम बीइंग लॉन्ग मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद उसका कंक्लूजन आप बताते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, व्हाट मे बी दी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर हैपनिंग जो अभी हम देख रहे हैं उसका क्या हो सकता है। तो प्रोस्पेक्टिव जो है वो इस तरह से काम करता है। रिट्रोस्पेक्टिव में आप पीछे जाके कॉज के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिससे कि इफेक्ट के ऊपर आपको अच्छे से व्हाट यू कैन से आइडिया हो जाए कि अच्छा ये कि ऐसा हुआ है इसके पीछे ये कारण था। और प्रोस्पेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है इसका ये असर हो सकता है, द इफेक्ट यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट, वहां पे कॉज यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट, इस तरह से प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच ऑफ कॉजल कंपैरेटिव होता है। लेकिन दोनों में जो कॉज है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो ऑलरेडी हो चुका है, रिसर्चर के हाथ में नहीं होता है कि वो उसको फिर से मैनिपुलेट करे। और मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप ये बोल सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति का धर्म उसके एजुकेशनल सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है, इट इज एन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च हो सकता है ना, या उसके फूड हैबिट्स को कैसे प्रभावित करता है उसका रिलीजन। यू कैन नॉट गो एंड आस्क कि आप अपने आप को हिंदू समझ लीजिए और आप अपने फूड के बारे में बताइए, आप अपने आप को मुस्लिम समझ लीजिए अपने फूड हैबिट्स के बारे में बताइए, प्रेफरेंसेस बताइए, इट कैन नॉट, और ये सही ढंग से काम भी नहीं करेगा। ऑलरेडी द रिलीजियस ग्रुप्स आर एग्जिस्टिंग, रिलीजियस ग्रुप है और उस रिलीजियस ग्रुप के ऊपर आपको देखना है कि उनका फूड हैबिट्स कैसा होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को लीजिए और उसका फिर देखिए काम। तो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च इस तरह से डिफरेंट है आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडी से, आपके कोरिलेशनल स्टडी से। अब इसमें क्रॉस सेक्शनल अप्रोच हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच जैसा कि आप जान रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच जब आप कम समय में चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि फैमिली इनकम का क्या इफेक्ट, एजुकेशनल एग्जांपल अभी देख लीजिए आप, फैमिली इनकम का क्या इफेक्ट होता है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, तो आप फैमिली इनकम किसी घर का जाके नहीं बढ़ा देंगे या घटा देंगे, ये रिसर्चर नहीं कर सकता, ऑलरेडी फैमिली इनकम के स्टेटस ग्रुप है हाई इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, एवरेज इनकम ग्रुप, और आप इनके इस ग्रुप को आप ऐसा कर सकते हैं
आप एक लंबे टाइम के दौरान आप देखें, फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं क्लास प्राइमरी क्लासेस में किस किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ता है, एलिमेंट्री क्लासेस में इसका किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, सेकेंडरी क्लासेस में किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। तो एज ए रिसर्चर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप जैसे सेकेंड वाला जो एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच तो सबसे अच्छा तो ऐसा रहे कि हम उसी बच्चे को लगातार देखें, हम उसको देखें जब वो प्राइमरी क्लास में था, फिर वो धीरे धीरे एलिमेंट्री क्लासेस में गया, फिर वो धीरे धीरे सेकेंडरी क्लासेस में गया, एंड देन और वो हाई इनकम क्लास से बिलोंग करता था, उसका उसका परफॉर्मेंस किस तरह से आगे बढ़ा है उसको लेके हम रख सकते हैं। दूसरा एवरेज इनकम ग्रुप वाला का भी प्राइमरी से स्टार्ट किए और सेकेंडरी तक उसका देखें एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है और उसको लेके रख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस तरह का अगर स्टडी आप कर रहे हैं तो ये कितना समय लग जाएगा, इट विल टेक नंबर ऑफ इयर्स, है ना, बहुत साल लग जाएंगे। और इस तरह से हम अगर स्टडी करते हैं तो एज ए रिसर्चर आपके लिए फिजिबल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब पियाजे या आपका डेवी और ये सारे लोग जब रिसर्च कर रहे थे, ये लोग साइंटिस्ट मतलब प्योर रिसर्च कर रहे थे, तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करते थे, ये लंबे समय तक एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके अपना रिसर्च कर रहे थे। लेकिन हम जो एक रिसर्च कर रहे हैं, हमारा जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट के लिए, डिग्री रिक्वायरमेंट के लिए जो 2 साल 3 साल तक के लिए होता है, तो उसमें हम अगर ये कोशिश करेंगे कि हम सारे स्टेज पे इसका इफेक्ट देखते हैं और इतने साल वेट करेंगे तो हमारा ये काम फिजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल अप्रोच लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम प्राइमरी के कुछ बच्चों को ले लेंगे एक ही टाइम में, प्राइमरी के कुछ बच्चों को लेंगे, एलिमेंट्री के कुछ बच्चों को रखेंगे, सेकेंडरी के कुछ बच्चों को रखेंगे और फिर उनमें कंपेयर कर लेंगे। दैट मींस वी आर कवरिंग योर स्टडीज फॉर ऑल दी स्टेजेस, सारे स्टेजेस के लिए हम बच्चों को लिए हैं, प्राइमरी है, एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, लेकिन एक ही समय में लेके, दैट मींस ग्रुप जो है वो चेंज हो, अलग अलग ग्रुप बना दिए, सेम स्टूडेंट्स नहीं है, है ना। तो जब आप इस तरह की स्टडी करते हैं तो आपका ये क्रॉस सेक्शनल अप्रोच कहलाएगा और एक फिजिबल वे ऑफ डूइंग रिसर्च होगा। तो इस तरह से क्रॉस सेक्शनल अप्रोच हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच हो सकता है। इसका स्टेप सब क्या है, पहले तो आप अपने प्रॉब्लम को जानिए, अपना रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसको डिफाइन कीजिए, जिस तरह से रिसर्च में होता है, जैसे मैंने बताया कि इम्पैक्ट ऑफ फैमिली स्टेटस ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स। तो ये एक स्टडी है और इस स्टडी को अगर आप देखते हैं तो ये इस तरह से एक्सपोस्पेक्टो स्टडी का एक प्रॉब्लम हो सकता है। देन यू आइडेंटिफाई दी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यहाँ क्या क्या हो गए, आपका एक वेरिएबल हो गया फैमिली इनकम, दूसरा वेरिएबल हो गया एकेडमिक परफॉर्मेंस। फैमिली इनकम जो है वो एक तरह से आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरह से आप आगे जा सकते हैं, स्टडी पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट कीजिए, देन यू हैव टू सी द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट आपका क्रॉस सेक्शनल है या आपका लॉन्गिट्यूडनल है, जिस तरह का भी आपका स्टडी है उसके आधार पे आप अपने पार्टिसिपेंट्स को चॉइस करते हैं और मतलब अपना सैंपल तैयार करते हैं। सैंपल में आप हाई इनकम क्लासेस के बच्चों को रखेंगे, एवरेज इनकम के, लो इनकम के, और फिर उसमें देखेंगे कि इनका एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरह से काम कर रहा है। देन यू कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे डेटा, आप तो उसको टी टेस्ट करें, एनोवा करें, तो आप उसका व्हाट यू कैन से रिग्रेशन करें, जो भी उसमें जिस डेटा जिस तरह से आपने कलेक्ट किया है उसके हिसाब से आप उसको लिख के खत्म कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल कैसा है, जैसे एग्जाम्पल में मैं बताऊं, एक है एजुकेशनल एग्जाम्पल में हो सकता है कि कंपेयरिंग द एकेडमिक अचीवमेंट बिटवीन स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड पब्लिक स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल। पब्लिक स्कूल के बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है प्राइवेट स्कूल का, तो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में ऑलरेडी प्रॉन बच्चे हैं, आप एज ए रिसर्चर जाके उनका एडमिशन नहीं कराएंगे कि प्राइमरी में तुम चले जाओ, तुम एलिमेंट्री में चले जाओ, एंड देन यू कंपेयर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो आपका वो ऑलरेडी फॉर्म ग्रुप है। हेल्थ केयर में भी हो सकता है, हेल्थ केयर का मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया, जैसे आपका
स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है आपके हेल्थ पे, वो हो सकता है। वर्क प्लेस पे हो सकता है, जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन वाला देखें आप कि किन किन फैक्टर्स पे जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंड करता है। उसके बाद आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का क्या इफेक्ट है आपके एजुकेशनल एक्सेस में, वो भी आपका एक एक्सपोज फैक्टर स्टडी है सोशियोलॉजी से रिलेटेड। और आप जानते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इफेक्ट है एक्सेस पे, आप सब लोग को एक तरह से सुविधाएं या एक तरह से रिसोर्सेस नहीं मिलते तो सोशियोलॉजी। उसी तरह से साइकोलॉजी का भी हो सकता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस लेवल अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। या आप इस तरह का एक स्टडी करें जेंडर रोल इन इंटरेस्ट टुवर्ड्स ए सब्जेक्ट, तो ये भी एक कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च हुआ, क्योंकि जेंडर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेंडर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। बॉयज आर देयर ऑलरेडी, देयर ग्रुप इज ऑलरेडी देयर, गर्ल्स का ग्रुप ऑलरेडी देयर है, और आप बॉयज और गर्ल्स को अपने मन से सेलेक्ट या असाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए आपका जेंडर का क्या रोल होता है आपके सब्जेक्ट इंटरेस्ट में, वो भी एक एक्सपोज फैक्टर स्टडी हो सकता है। इस तरह से आपको अगर यहाँ एजुकेशन के और भी कुछ प्रॉब्लम थोड़े डिटेल में बताए गए हैं, जैसे ये टाइप ऑफ स्कूल वाला, इसको थोड़ा सा और डिटेल करके मैंने बताया है। एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड टाइप ऑफ स्कूल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह से अगर आप देखते हैं हेल्थ केयर वाला एग्जांपल ऑलरेडी बताया गया, जैसे टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीज्योर एंड रिकवरी रेट, किस तरह का आप सर्जिकल प्रोसीज्योर कर रहे हैं। जैसे जैसे अगर आप इलाज के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, तो आप किस प्रोसेस के थ्रू आपने अपना इलाज कराया है, और उसके प्रोसेस के थ्रू आपका रिकवरी, जैसे फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर का ही ऑपरेशन है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन में आपका लेजर वाला ऑपरेशन भी है, और आई थिंक जो पहले पुराने टाइम में होता था कि आप सर्जरी करके काट के उसको निकालेंगे, वो भी है। तो ये दोनों कंडीशन में आपका रिकवरी रेट कैसा है, तो ये भी एक कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च है। ये एक रिसर्चर जाके उसको डिसाइड नहीं कर लेगा कि चलिए आज का आपका तो हम करेंगे लेजर वाले सिस्टम से और आपका करेंगे हम इस तरह से, यू कैन नॉट से। ऑलरेडी जिनका ऑपरेशन हो चुका है उनका आपको देखना होगा कि उनका रिकवरी किस तरह से हो रहा है। तो ये एक तरह से एक एग्जाम्पल है हेल्थ केयर का, और वर्क प्लेस का भी मैंने बता दिया, जॉब सेटिस्फेक्शन का, डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है जॉब सेटिस्फेक्शन, ये हम भी जान रहे हैं। डिपार्टमेंट वाइज भी चीजें अगर चेंज करती है तो म्यूट है सर। ये बंद हो गया था आपका, अपने से ऑटो कनेक्ट हो गया था। तो ये मैं जैसे बताया आपको जॉब साइट डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है आपके जॉब सेटिस्फेक्शन पे, तो ये भी आप एक तरह से एक रिसर्च के मतलब एक्सपोज फैक्टर की तरह देख सकते हो। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाला मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सोशियोलॉजी में अगर आपका ये देखना है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का क्या असर है बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, तो ये भी आपका एक एक्सपोज फैक्टर स्टडी होगा। यहाँ जो एग्जांपल दिया गया कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का क्या रोल होता है क्राइम रेट के ऊपर, तो वो भी है, वो भी एक एक्सपोज फैक्टर का स्टडी, क्योंकि तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फॉर्म जो ग्रुप है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या आप कहें कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है आपके वैल्यू सिस्टम पे,
ये भी एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और आप उसको फिर देखते हैं कि दो ग्रुप के बीच में कंपेयर करके कि वैल्यू सिस्टम किस तरह से प्रभावित होता है आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हाई होने से और लो होने से, और इंटरप्रिटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब इसके लिए जैसे मैंने आपको स्टेप बताया, ज्यादातर रिसर्च का स्टेप वही है कि आप पहले अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, देन यू सेलेक्ट दी प्रॉब्लम। पहले आप सिलेक्शन ऑफ दी प्रॉब्लम को ही हम बोल सकते हैं डिफाइन दी प्रॉब्लम, देन यू आप अपने वेरिएबल्स को समझे। वेरिएबल्स अगर एक्सपोज फैक्टर स्टडी है, देन यू शुड ट्राई टू गेट कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों जब आपको पता चल गया, देन यू गो एंड कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्ट करें। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में तो हम जाके फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अपना काम कर चुका होता है, तो आप जाके डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा को आप जाके एनालाइज करते हैं यूजिंग टी टेस्ट या नोवा या रिग्रेशन। उसको करने के बाद आप अपने रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इसका एक रिवीजन है, आप देख सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाएं, पार्टिसिपेंट्स सैंपल को सेलेक्ट करें, डेटा कलेक्शन करें, और फिर आप उसको एनालिसिस करके रिजल्ट्स को जनरेट करें। एनालिसिस में ही यहाँ जैसे मैंने बताया, टी टेस्ट हो सकता है, एनोवा हो सकता है, काई स्क्वायर टेस्ट हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है, और फिर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करके SPSS हो, R हो, Excel हो, तो यूज करके आप अपने डेटा को एनालाइज करें, और फिर आप देखें। यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें हैं, एक चीज मैं और मैंने डिस्कस नहीं किया उसको मैं फिर से बताऊंगा। जैसे कि डेटा एनालिसिस करेंगे, डेटा एनालिसिस करने के बाद टी टेस्ट आप कर सकते हैं, एनोवा यूज कर सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप जब इंटरप्रेट करेंगे तो इफेक्ट साइज देखेंगे। आजकल रिसर्च में हम लोग इफेक्ट साइज को भी लेके चलते हैं, कोहेंस डी के द्वारा निकाले, और इफेक्ट साइज जो है वो जो आपका डिफरेंस दिख रहा है या जो रिलेशनशिप आपका दिख रहा है उसके उसका स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा पुख्ता बनाता है, या आप बोलेंगे कि आप टाइप वन एरर जो है उसको करने से बचते हैं, तो इसलिए इफेक्ट साइज भी हम लोग निकालते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 जो कि सेट किया जाता है फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेस, और इसी को ध्यान में रखते हुए जब हमारा पी निकलता है तो पी के आधार पे हम अपना डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट करना है या फिर रिजल्ट्स बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो मैं बता रहा था, देखिए यहाँ पे इफेक्ट साइज कोहेंस डी के द्वारा निकालते हैं, आपका 0.03 से 0.05 अगर आपका 0.45 का वैल्यू जो है मॉडरेट दिखाता है, और 0.5 से ऊपर जो हो रहता है वो हाई इफेक्ट साइज को दिखा रहा है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये ऑलरेडी जो 0.05 जो आप देख रहे हैं इसका मतलब है, उसको दूसरे तरह से बताया जाए तो विथ 95% कॉन्फिडेंस वी कैन से दैट कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, या जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है, या जो आप इफेक्ट देख रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है, ये आपका इंटरप्रिटेशन होगा। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, फिर से एक बार डिजाइन सबको मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा और डिटेल में मैंने लिखा है इसको। जैसे कि आप एक मतलब जैसे बताया कि आपको सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के ऊपर स्टडी करना है, तो आप 9 से स्टार्ट करके बच्चे का 10 तक जाने का वेट नहीं करेंगे। क्लास 9 का एक ग्रुप बना लेंगे, क्लास 10 का एक ग्रुप बना लेंगे, और उसको साथ में साइमल्टेनियसली आप डेटा ले लेंगे, या डिफरेंट कोहोर्ट बना के आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, और ये जो है ये आपका एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी का उदाहरण। और आपका लॉन्गिट्यूडनल में आप वेट करते हैं, लंबे समय तक डेटा कलेक्ट करते हैं, और फिर इंटरप्रिटेशन तो वही होगा आपका, टी टेस्ट है, एनोवा है,
डाई स्क्वायर है, इसको यूज करके हम लोग करते हैं। बाकी आपको प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव ये रिपीटेशन में बता इसलिए रहा हूँ कि आप बार बार क्लेरिफिकेशन आपका हो जाए कि कॉजल कंपैरेटिव में प्रोस्पेक्टिव डिजाइन क्या होता है और रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन में हम लोग पीछे कोई भी चीज अगर हमने हमें कुछ इफेक्ट दिख रहा है तो हम कॉज के ऊपर जाके एक्सप्लोर करते हैं, जिससे कि हम इफेक्ट इसके कारण हुआ उसको भली भांति अच्छे से माइन्यूटली जान, है ना। जैसे मैंने बताया कि किसी का HIV पेशेंट्स है और उसका एक पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से हेल्थ इशू है, किसी उसका कुछ पर्टिकुलर हेल्थ इशू आपको दिख रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि HIV पेशेंट जो है सबका एक ही टाइप का कंडीशन आपको दिखता है, तो आप क्या करेंगे उसका पास्ट में जाके देखने की कोशिश करेंगे कि इसका ये जो HIV इंफेक्टेड हुआ है तो वो कब हुआ, किस पर्टिकुलर रीजन से हुआ है, और उसका फिर फूड हैबिट्स क्या रहा है, उस वो किस तरह का लाइफ स्टाइल जीता रहा है, और ये सारे चीज को कहीं ना कहीं हम अपना स्टडी में लेके आएंगे, तो हम कहीं ना कहीं जो HIV पेशेंट के साथ जो भी हो रहा है उसको हम एक फाइंडिंग के रूप में ले आ सकते हैं, जिससे कि फर्दर आपका कभी भी इस तरह की चीजें हो तो हम इसका ख्याल रख सकें, जिससे कि आपका जो मेडिकल साइंस में कुछ और हम लोग उनके ट्रीटमेंट में सुधार कर सकते। तो ये तो एक मैंने बताया, उसी तरह से जैसे मैंने बताया कि अगर आपका एकेडमी अगर एजुकेशनल प्रॉब्लम देखें तो अगर आपने ये देखा है कि दो पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चों का परफॉर्मेंस खराब हो गई, एक का खराब है और एक का अच्छा है, तो आप पीछे की घटनाओं को जाके देखने की कोशिश करेंगे कि किस कारण हुआ है, किसने क्लास लिया है, कितना क्लास हुआ है, और बच्चे का अटेंडेंस कैसा रहा है, ये सारे चीजों को आप एनालाइज करके आप डिसीजन लेते हैं तो वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव होगा। प्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव में क्या है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव में आप जस्ट ट्राई टू सी द इफेक्ट्स के बारे में हम ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, और इफेक्ट्स को ध्यान में देते हुए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो अभी जो घटनाएं घट रही हैं, अभी जो हो रहा है वो इनका फ्यूचर और आगे जाके क्या हो सकता है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्जांपल है, ये भी क्या एग्जांपल दिए थे आपको, हम मान लीजिए कि आप इसके ऊपर देख रहे हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है, एजुकेशनल प्रॉब्लम में आ जाते हैं, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई की व्यवस्था में किस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप फिर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा होगा। यू आर एबल टू डिसाइड, आप जाके उनकी पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई का पैटर्न और इस सारे चीज को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला है कि इसमें मैनिपुलेशन आप नहीं कर सकते, वट एवर इज गोइंग ऑन, जो भी कॉज हो रहा है उसको आप ध्यान से देखें, एंड देन यू ट्राई टू सजेस्ट दी कि आप इसका जो जो भी आपके यहाँ स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई हो रही है उससे आपके बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा हो, इसका क्या असर होगा इसके ऊपर। सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट द इफेक्ट, प्रिडिक्ट द इफेक्ट, फ्यूचर के बारे में आप कुछ बताने की कोशिश करते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए हम जब एक कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा मतलब इसमें क्या है कि आप प्रेजेंट से कुछ समय तक आप अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप ऑब्जर्व करते हैं और फिर आप देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो इफेक्ट जो है वो कितना ज्यादा अलग अलग तरह से पड़ सकता है, और उस इफेक्ट को आप हाईलाइट करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिव कॉजल कंपैरेटिव में पास में नहीं जाके आप प्रेजेंट में चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ दिनों का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, देन यू ट्राई टू कंक्लूड। और इसमें जैसे कि मैं बताऊं कि अगर आप ये रिसर्च कर रहे हैं तो आप डिफरेंट टाइप के कंट्रोल आप यूज कर सकते हैं, मैच पेयर डिजाइन कर सकते हैं। मैच पेयर डिजाइन करने का मतलब ये है कि आपने जैसे मैं बताया कि आपको ये देखना है कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है इसके ऊपर, लंग्स के ऊपर,
तो आपने एक स्मोकिंग वाला ग्रुप को रखा और एक नॉन स्मोकर्स का ग्रुप को रखा, और आपने ऐसा कर दिया कि स्मोकिंग वाले ग्रुप में सारे यंग लोगों को रख दिया और नॉन स्मोकिंग ग्रुप में सब एज लोगों को रख दिया। तो आपको ऐसा लगे, ऐसा हो सकता है कि आप जो फाइंडिंग्स लेके आएंगे रिलेटिंग टू दैट कि स्मोकिंग का क्या असर होता है लंग पे, आप उसमें लैकुना हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपने मैचिंग नहीं किया है। अगर आपने यहाँ पे भी 30 से 40 साल के बच्चों को रखा है या लोगों को रखा है, दूसरे ग्रुप में भी 30 से 40 एज ग्रुप के लोग को रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका 1-to-1 मैचिंग हो जाए। और जो कंक्लूड करें, इट इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द कॉज डन बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण जो हुआ है उससे रिलेटेड हो, ना हो एजिंग के कारण हो, किसी का एज हो गया ज्यादा उसके कारण भी उसका लंग प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमने जब दो ग्रुप को लिया है, तो ये दोनों ग्रुप को सिर्फ वो एक रीजन को छोड़ के बाकी सारा चीज मैच करना चाहिए। आप एक ग्रुप में आपने लड़कों को रख लिया जो स्मोकर ग्रुप है, और दूसरा में आपको आसानी हुआ तो चलो नॉन स्मोकिंग चाहिए, तो हम गर्ल्स लोग का जनरली आसानी से मिल जाते हैं जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपने गर्ल्स को रख दिया एक ग्रुप में। अब बताइए कि आपने बॉयज और गर्ल्स को कंपेयर कर रहे हैं, देयर मे बी अदर अदर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, और उस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को आप फिर अपने फाइंडिंग्स में किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, किस तरह से आगे लेके जाएंगे। तो ये हमें हमें सोचना है कि हम जब भी डिजाइन कर रहे हैं उसमें सिर्फ वो पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एग्जिस्ट है कर रहा है उसको छोड़ के बाकी सारे चीज एक जैसे हो, तब जाके हम अपनी स्टडी को आगे लेके जा सकते। केस कंट्रोल डिजाइन, दिस डिजाइन कॉमनली यूज इन मेडिकल रिसर्च। ये मेडिकल रिसर्च वाला ही ज्यादातर है। आपको बुक्स में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब एजुकेशनल प्रॉब्लम भी आपको बताऊं, लेकिन मैं इसमें भी अगर आप बुक में जाएंगे तो इसमें भी ज्यादातर आपको मेडिकल साइंसेस के एग्जाम्पल मिलेंगे। इसमें वो मेडिसिन का क्या असर होता है, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का क्या असर है हेल्थ के ऊपर, ये देखने की भी कोशिश की जाती है। तो इसमें भी एक भी कॉजल कंपेरेटिव है, क्योंकि आप पर्टिकुलर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति ऑलरेडी होना चाहिए। आप किसी को कोई बीमारी नहीं कर देंगे और उसके बाद उसको मेडिसिन देने वाली लगेंगे, तो इसलिए मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज है। उसी तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जैसे मैंने बताया कि इसके एनालिसिस करते समय रिग्रेशन भी यूज होता है। रिग्रेशन में कॉज एंड इफेक्ट वाला चीजों को जानने के लिए हम रिग्रेशन यूज करते हैं, और रिग्रेशन को भी जब अगर हमें देखना है ऐसा कई केस जिसमें कि एक वेरिएबल जो हो या जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो हो वो बाइनरी में हो, बाइनरी मतलब डाइकोटोमस हो, है ना, डाइकोटोमस अगर हो रहे तो उस समय हमें जो रिग्रेशन यूज करना रहता है वो लॉजिस्टिक थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। मैं इसको छोड़ रहा हूँ। प्रोस्पेंसेंटी स्कोर मैचिंग, ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हम क्यों किसी को रख रहे हैं इसके ऊपर है। कि अगर हमने दो ग्रुप बनाया है तो क्यों दोनों ग्रुप को हमने अलग अलग बनाया है, ठीक है। ये जैसे हमने दो ग्रुप बनाया, जैसे मैंने बोला कि दो ग्रुप में हम लोगों को रखेंगे, बाकी सारा चीज सेम रहे, दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, जैसे मैं बोलूँ, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे अगर मैं देखूँ जेंडर का क्या रोल होता है आपके व्हाट यू कैन से एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो हमने क्या किया कि जेंडर बॉयज का एक ग्रुप बना दिया, गर्ल्स का एक ग्रुप बना दिया। ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमें जेंडर का ही रोल देखना था, तो ये दोनों अलग अलग, लेकिन इनका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, सॉरी इसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उनका एक्सपोजर टू या क्लासेस, है ना, एक्सपोजर वो एक ही स्कूल से हो, या उनका व्हाट यू कैन से और एज एज कैन बी वन प्रोस्पेंसिटी, एज एक ही हो, है ना, एक एज के आधार पे हमने मैचिंग किया है। ये यहाँ पे भी आप 12 से 14 साल के बच्चों का लड़के हैं और वहाँ पे भी 12 से 14 साल के लड़कियां हैं, तो हमने उसके ऊपर में ग्रुप बनाया, एज जो है उसको मैच कराया, एंड देन यू जस्ट आप उसके बाद हम एकेडमिक परफॉर्मेंस को कंपेयर करके
हम अपनी स्टडी को आगे लेके जा रहे हैं। स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग भी कर सकते हैं हम लोग, मेडिएशन एंड मॉडरेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं, जब दो वेरिएबल के अलावा और कोई तीसरा वेरिएबल भी काम कर रहा हो, है ना। दो ही वेरिएबल काम कर रहे हैं ऐसा जरूरत नहीं है, कभी कभी तीसरा कोई, जैसे अगर मैं बताऊं कि जैसे अभी था कि फैमिली स्टेटस का क्या इफेक्ट होता है, फैमिली स्टेटस एंड लॉन्जिविटी, कोई आदमी कितना दिन जिंदा रहता है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि जिसका फैमिली स्टेटस ज्यादा है, अच्छा है, वो ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे, उनका ये काफी दिनों तक वो जिंदा रहते हैं। दिस इज एक स्पूरियस रिलेशनशिप, ये फिर एक स्पूरियस रिलेशनशिप होगी, क्योंकि यहाँ पे तथ्य ये नहीं है कि आपका फैमिली स्टेटस अच्छा है। फैमिली स्टेटस अच्छा है तो आप ज्यादा मेडिकल उपचार लेते हैं, आप ज्यादा अपने आप को व्हाट यू कैन से अपना रेगुलर टेस्ट कराते रहते हैं। सो दैट टेस्टिंग इज द फैक्टर, बिकॉज ऑफ दैट आपका ये अच्छा है, आपकी लॉन्जिविटी, आप ज्यादा दिन तक जिंदा रह रहे हैं। तो ऐसे डिजाइन जिसमें कि दो से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो, मीडिएशन कर रहे हो या मॉडरेशन कर रहे हो, तब ये समय हम इसको, इस समय भी हम कॉजल कंपैरेटिव इसमें इसको यूज किया जा सकता है। और इसके लिए भी हम रिग्रेशन जो है उसको लगा के, या पार्शियल कोरिलेशन उसको लगा के हम इसको स्टडी कर सकते हैं। यस पूछिए। ये सर, जैसा आपने बताया कि जो थर्ड वेरिएबल है कि फैमिली हेल्थ चेकअप्स, वो थर्ड वेरिएबल की तरह काम करेगा, तो सर ये जो थर्ड वेरिएबल है वो मतलब डायरेक्ट विजिबल नहीं होता है ना, हाँ, डायरेक्ट विजिबल नहीं हो रहा लाइक है, ये तो। वेरी गुड, ये डायरेक्ट विजिबल नहीं हो रहा है, तभी तो हम गलत इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कि हम बोल दे रहे हैं कि हाँ फैमिली इनकम ज्यादा है तो ज्यादा दिन जिंदे रहे जिंदा, तो हमें लेकिन एक रिसर्चर जो है, रिसर्चर ही जो है ये रिसर्च करके पता कर सकता है कि कोई वो वेरिएबल जो है उसी के कारण ये हो रहा है, कि कोई और भी वेरिएबल है जो लेटेंट है जिसके कारण ये हो रहा है, छुपा हुआ है। तो ये तो रिसर्चर का ही काम है जो पता यस करेगा। सर, रिसर्चर हैव टू आइडेंटिफाई। यस सर, गॉट ये इट। फैमिली इनकम का जब वो डिफरेंट फैक्टर्स निकालेगा ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैक्टर जब वो फैमिली स्टेटस का डिफरेंट फैक्टर्स निकालेगा, उसमें वो एक फैक्टर आ सकता है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, और वो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स का ही फैक्टर लोडिंग उसको बहुत ज्यादा दिखेगा इस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, और इससे उसको पता चल सकता है कि यहाँ पे ये जो है एक लैटेंट फैक्टर के रूप में था, और बाद में वो कंक्लूड कर सकता है कि यही जो काम कर रहा है। तो ये रिसर्चर का ही तो ये काम है कि वो उसको फाइंडिंग पता करे और उसको सही ढंग से आइडेंटिफाई करे कि रियल कॉज क्या है। तो ओके सर, इसी तरह से जैसे चैलेंजेस का बात किया जाए, तो चैलेंजेस में यही हमें पता करना है, जो कॉजेशन वर्सेस एसोसिएशन, हमें ये सोचना है कि कॉजेशन जो है एक अलग चीज है, एसोसिएशन जो है वो अलग चीज है। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च कैन आइडेंटिफाई एसोसिएशन और कोरिलेशन, एसोसिएशन निकाल सकता है, कोरिलेशन निकाल सकता है, लेकिन कॉज निकालना जो है, इस कितना भी हम लोग निकाल लें, बोलते भी हम इसको कॉजल कंपैरेटिव, लेकिन जब तक हम एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ना करें, हमारा क्लेम में कहीं ना कहीं लैकुना रह जाता है। इसलिए हम एसोसिएशन तो निकाल सकते हैं, कोरिलेशन भी निकाल सकते हैं, कुछ हद तक हम लोग कॉज इफेक्ट के बारे में भी बात कर देते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द परफेक्ट डिजाइन और परफेक्ट टू इंटरप्रेट। आप ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर करते हैं तो वो, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के जैसा है ही नहीं। आप अगर साइंस में, अगर आप जो साइंस मेडिकल साइंस में भी रिसर्च करते हैं, तो आप ये जरूर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कॉज है वो डिफरेंट व्हाट यू कैन से, जैसे हम जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, इथिकल इशू सब तो है, लेकिन इसके बाद भी आपने देखा होगा कि बहुत बार, बहुत सारी मूवी में भी आप देखते होंगे कि जब हम
और इथिकल इश्यूज भी है, जब हम किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसको हम लोग ह्यूमन पे तो नहीं ट्राई करते हैं, हम सब ह्यूमन या जिसको जो कि उससे मिलते जुलते प्रजाति हैं उसके ऊपर हम ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि वी वांट दैट कॉज, और जो रियल कॉज है उसको पता करना। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ही किया जा सकता है, इससे करते हैं, लेकिन थोड़ा इतना ज्यादा एरर फ्री नहीं होता है, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसोसिएशन एंड कोरिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्गली आप पता कर सकते हैं। सिलेक्शन बायस भी हो सकता है, वो हमेशा कोई भी रिसर्च में भी है, सैंपल कर रहे हैं और सैंपल करते समय हम ऐसे पार्टिसिपेंट को चुन रहे हैं जो कि हमारे इच्छा के अनुसार हमारा मतलब जिस तरह का आंसर हम चाह रहे हैं उस तरह की चीजें लेके आ जाए, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का बात होगा। सेलेक्टिंग ग्रुप दैट आर नॉट ट्रूली कंपेयरेबल कैन इंट्रोड्यूस सिलेक्शन बायस। जैसे आपने ऑलरेडी जिस ग्रुप को आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेंडर का क्या रोल होता है, सिंपल जब भी एग्जांपल वाला बता रहे थे, जेंडर का क्या रोल होता है आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, और आपने जब जेंडर का दो ग्रुप बनाया तो एक फीमेल जेंडर या गर्ल्स के अंदर में जब आपने पार्टिसिपेंट को चुना तो आपने ऐसे सेक्शन से बच्चों को रख लिया कि जो कि हाई स्कोरर्स हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ सिलेक्शन बायसनेस दिखता है। और दूसरा ग्रुप में आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया बॉयज को, तो ये कहीं ना कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स जो जो भी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो भी वेरिएबल अगर किसी रिसर्च में आ रहा है वो कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। इस कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप्स जिसको कि हम लोग एक्सट्रानियस वेरिएबल, आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल्स ऐसे कर करके डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स के रूप में जानते हैं, या मॉडरेटिंग वेरिएबल, दो तीन इसके टाइप हैं। एक्सट्रानियस वेरिएबल जो हैं जो कि आपके बात वो तो हैं, प्रेजेंट तो हैं, लेकिन आपके स्टडी को प्रभावित नहीं करते, कुछ वैसा कोई वैसा असर नहीं डालते हैं जो कि आपके स्टडी के लिए इंटरवीनिंग हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और आपके रूम के बाहर से कोई चला गया है ना, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसके बाहर उसके रूम के बाहर से कोई दूसरा कोई चला गया, तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं है कि ह्यूमन पासिंग थ्रू द दैट पर्टिकुलर क्लासरूम वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या किस ब्रांड का फैन आपने उस रूम में लगाया हुआ है, ये ऐसे ये सब है वेरिएबल इस वेरिएबल, क्योंकि एक 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 रूम में आपने उषा कंपनी का फैन लगा दिया, एक में आपने क्रॉम्पटन ग्रिव्स का फैन लगा दिया, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, लेकिन ये मतलब ये वेरिएबल्स हैं जो अलग रिसर्च से अलग टाइप की दूसरी चीजें हैं, लेकिन ये आपके स्टडी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो। लेकिन ऐसे वेरिएबल जो कि वहाँ प्रेजेंट हैं और आपके स्टडी को प्रभावित कर सकते हैं, दोज वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लार्ज नॉइज कहीं से क्रिएट हो रहा है ना, या आपने क्लास टाइमिंग चेंज कर दिया, किसी को सुबह एक ग्रुप को सुबह क्लास लेनी दूसरे का शाम को ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं एग्जाम्पल सब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल का दे रहा हूँ, लेकिन ये आपके कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च में भी होल्ड करता है। कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च में भी जहाँ पे आपका ऑलरेडी जैसे जेंडर ही दो जेंडर को आपने बताया कि बार बार मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ सो दैट इट कैन बी, जेंडर का क्या रोल होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, कॉजल कंपेरेटिव है, तो आपने जो गर्ल्स वाले ग्रुप हैं वहाँ पे आपने हमेशा जो है उनको ग्राउंड फ्लोर पे रखा गया है और सारी सुविधाएं दिए जा रहे हैं, और एक जो बॉयज वाले ग्रुप हैं उनको सबसे ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे बैठाया गया है, लिफ्ट है नहीं वो किसी तरह से चढ़ के रोज जाते हैं, तो ये इंटरवेनिंग वेरिएबल के रूप में काम करता है, लेकिन एज ए रिसर्चर हम उसको कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे जहाँ इनका गर्ल्स जेंडर का एकेडमिक परफॉर्मेंस ऐसा होता है बॉयज का ऐसा होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्टडीज के अंदर की रेप्लिकेबिलिटी को प्रभावित करेगी, जनरेबिलिटी को प्रभावित करेगी, ऐसा कहाँ जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स एक ही फ्लोर पे बैठते हों या साथ में बैठते हों, तो इसलिए हमें ये देखना है कि इंटरवीनिंग वेरिएबल को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब जब इंटरवीनिंग वेरिएबल को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उसको यूज भी करते हैं अपने रिसर्च में,
अपने फाइंडिंग्स में उस तरह से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या आपका इंटरेक्शन इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, उस केस में वो मॉडरेटिंग वेरिएबल कहलाने लगता है या मीडिएटिंग वेरिएबल कहलाता है। और उस समय हमारा रिसर्च जो है उस पर्टिकुलर फैक्टर को भी टेक केयर करता है, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छे रिसर्च की निशानी है। तो ये कंपाउंडिंग वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप्स मैंने बता दिया। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आपको जब बताया जाएगा तो आप उसमें भी इसको और बहुत अच्छे से माइन्यूटली मैं बताऊंगा। कॉजेशन इन्फरेंस, ये ऑलरेडी मैं बता दिया कि कॉज जो आप इसमें इन्फरेंस निकालते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इथिकल कंस्टेंट्स तो है, क्योंकि तो अभी मैंने बता दिया कि मेडिकल साइंसेस में इतनी सारी चीजें जो फर्दर कंपेरेटिव वे में की जा रही है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल चीजों को थोड़ा सा कंसिडर करने की जरूरत है वहाँ। इन सम केसेस कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च में इन्वॉल्व एग्जामिनिंग सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डेटा। जैसे एग्जाम्पल अगर आप स्मोकिंग वाला केस में ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, अच्छा मेडिकल साइंस के केसेस जो है उसमें अच्छे एग्जाम्पल निकल के आ रहे हैं। तो अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा आप कितने ईयर से आपने स्मोकिंग स्टार्ट किया, कब से आपने स्मोकिंग स्टार्ट किया, या कब से आपने या कैन से अगर इसके अल्कोहलिक के अल्कोहल का क्या असर होता है, तो आप उससे पूछ रहे हैं कब से आपने पीना स्टार्ट किया। तो ये जब आप पूछ रहे हैं तो वो एक इथिकल इशू है, कोई शेयर करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और अगर वो शेयर कर भी रहा है तो वो कितना ज्यादा सही बोल रहा है, उसको कितना सटीक बोल रहा है, ये भी रिसर्चर को सोचना चाहिए। स्टेनियस वेरिएबल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जनरलिटी और ग्रुप जो है आपको ध्यान से बनाना चाहिए। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का ध्यान रखना है, तभी हम जब आप मीडिएशन करते हैं या मॉडरेशन एनालिसिस करते हैं तो आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को आप देख लेते हैं उसमें। यूजिंग मल्टीपल डेटा सोर्सेस, ये तो ट्रायंगुलेशन आप बोल सकते हैं कि आप एक ही तरह से, यहाँ लिखा भी है ट्रायंगुलेट करना, एक ही तरह से किसी, जैसे किसी के बारे में आप पूछ रहे हैं, जैसे मेरे बारे में किसी को पूछना है आपको, तो आप प्रभास सर से पूछ लें इसे, और वो प्रभास सर बोल दें कि हाँ सर तो बहुत अच्छे हैं, एंड यू टेक दैट बिलीफ सिस्टम, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं माना जाएगा। यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल सोर्सेस। आप जाएंगे नेट पे, जाएंगे नेट पे जाके फिर सर्च करेंगे जहाँ विक्रमजीत सिंह प्रोफाइल, या कुछ फेसबुक पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, आप मेरा बायोडाटा कहीं मिल रहा है तो उसको देख रहे हैं। ये क्या ट्रायंगुलेशन है? ये नहीं कि आपको किसी ने बोल दिया, आपने एक जगह से डेटा ले लिया और उसको उसी को मान लिया। तो ये एक रिसर्चर का ये कैपेसिटी होना चाहिए कि नहीं, एक बार जब आपने कहीं से किसी चीज को दिया है तो आप उसको फिर क्रॉस वैलिडेट करें। तो मल्टीपल डेटा सोर्सेज से आपको इसको वैलिडेट करने की जरूरत है। मिक्स्ड मेथड से आपको डिजाइन, इसीलिए बहुत बार हम अपने लिए एक एक आपने कॉजल कंपरेटिव रूप में कर लिया, कभी जाके आपने व्हाट यू कैन से सिंपल ऑब्जर्वेशन कर लिया, या आपने जाके वहाँ नैरेटिव एनालिसिस कर लिया, क्वालिटेटिव वे में भी चलेंगे आप, नैरेटिव एनालिसिस कर लिया किसी का, उसका पूरा व्याख्यान आप सुन रहे हैं कि उनका लाइफ स्टाइल क्या, पिछले 5 सालों में किस तरह से इस पर्टिकुलर चीज के कारण प्रभावित हुआ है, तो आप उसका नैरेटिव एनालिसिस भी सुन रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर मिक्स्ड मेथड में जाते हैं तो भी आपका रिसर्च जो है वो अच्छा हो सकता है। रिप्लीकेशन वेन एवर पॉसिबल कंडक्ट, आप अपने स्टडी को वैलिडेट करने के लिए आप उसको रेप्लीकेट कीजिए, दोबारा करिए, तीसरी बार करिए, और देखिए कि वो सही जैसा आ रहा है कि नहीं। इथिकल कंसिडरेशन मैंने बता दिया, ट्रांसपेरेंसी, आप अपने रिसर्च में आपने जैसे जिस कंडीशन में आपने रिसर्च किया, जिस सेटिंग में आपने रिसर्च किया है, उसको आप रिपोर्ट करें वैसे ही, जिससे कि कोई आपकी स्टडी को रिप्लीकेट कर पाए या उसको यूज कर पाए। ट्रांसपेरेंसी रखना है, आपने अपने रिसर्च को अच्छा दिखाने के लिए आपने जो जो चीज बताना चाहिए, जो जो चीज किसी को अच्छा लगता है सुनने में, और वो आपने बता दिया, लेकिन आपके स्टडीज के जो लिमिटेशंस थे वो नहीं आपने हाईलाइट किया, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। पीयर रिव्यू करना है, अपने
कलीग से भी पूछना है, एक्सपर्ट से भी पूछना है। तो ये कल्चर कंपेरेटिव रिसर्च जो है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक यूजफुल डिजाइन है जिसको यूज किया जाता है एकेडमिक सेक्टर में भी हो सकता है और डिफरेंट अदर सेक्टर्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एकेडमिक का भी एग्जांपल मैंने दिया। दो तो तीन बातें मैं समराइज करूंगा पहले। एक कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जहाँ पे जो वेरिएबल जो कॉज है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी अपना काम कर चुके होते हैं, वो हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अर्थक्वेक का क्या असर होता है बच्चों के एजुकेशनल एस्पिरेशन के ऊपर, उसका क्या है, या एजुकेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर क्या उसका असर है, या आप बोले कि जेंडर का क्या रोल होता है स्पिरिचुअल में, जेंडर का क्या रोल होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस, वो भी आपका एक कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च है। कोरिलेशनल रिसर्च से ये अलग है क्योंकि वहां पे सिर्फ रिलेशनशिप पता करते हैं और उसका स्ट्रेंथ पता करते हैं। एक्सपेरिमेंटल से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंटल में हम मैनिपुलेशन करते हैं वेरिएबल्स का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और फिर उसका इफेक्ट देखते हैं। जैसे एक्टिविटी बेस्ड मेथड का क्या असर है आपके बच्चों के साइंस अचीवमेंट पे, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल होगा वहाँ। और ये भी खास बात है, अगर कोरिलेशन से कंपेयर किया जाए, कोरिलेशन में जनरली एक ग्रुप में मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप देखा जाता है, लेकिन कॉजल कंपेरेटिव हो या आपका एक्सपेरिमेंटल हो, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो या एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो, एक से ज्यादा कंट्रोल ग्रुप हो, और फिर उसमें एक वेरिएबल के अंदर क्या चेंजेस हैं उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम ये जो कुछ खास बातें हैं, और एक और चीज मैंने बताया था प्रोस्पेक्टिव डिजाइन एंड रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन। तो रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन में हम फ्लैशबैक में जाते हैं, पीछे की चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, कॉज को समझने की कोशिश करते हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे, इंटरव्यू करेंगे और उससे पता करने की कोशिश करते हैं। और प्रोस्पेक्टिव डिजाइन में हम एग्जिस्टिंग कंडीशन को ऊपर ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, जो कॉज हो रहा है उसको देखते हैं, और फिर फ्यूचर के बारे में क्योंकि हम एक ड्यूरेशन के बाद उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। दोनों का अपना अपना यूजफुलनेस है, आपके स्टडी के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा, और आपका व्हाट यू कैन से दोनों में अपने अपने चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव ही कर रहे हैं आप, पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई शेयर ना करे या सही नहीं बताए आपको, जो एक्चुअल हुआ था वो ना बताए। प्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं तो बहुत बार इथिकल चैलेंजेस आ सकता है ना, कि आप स्मोकिंग ग्रुप को देखना चाहते हैं, उनके लंग के ऊपर क्या असर होता है, तो आप उनको ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे। और आप उनको जनरली होता है ना कि आप कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आप उसको बराबर रिपोर्ट उसका देख रहे हैं या उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अल्टीमेटली एज ए रिसर्चर हो या एक डॉक्टर हो, आप तो उसको बोलेंगे कि भाई आप अपना इसको दो बंद कीजिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, और उसका एक लिमिटेशन फिर आ सकता है आपके रिसर्च में। तो इस तरह से प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन दोनों यूजफुल है। लेकिन जब जॉब सेटिस्फेक्शन का मैंने बात किया था कि डिपार्टमेंटल कल्चर का क्या असर होता है जॉब को सेटिस्फेक्शन पे, वहाँ पे आप प्रोस्पेक्टिव डिजाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रोस्पेक्टिव डिजाइन करिए, जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उसको देखिए, और फिर आप प्रेडिक्ट कीजिए कि आगे क्या होगा इसका, क्या इस तरह से स्टाफ के सेटिस्फेक्शन पे इसका क्या असर। ये कुछ बातें थी एक्स प्रोस्पेक्टो के बारे में, आप लोगों ने समझा होगा, और